नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथमे देखिबा हेडलाइंस कोरोना तृतीय लहर चिंता वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक देश में कोरोना मुकाबला एवं टीकाकरण नहीं समीक्षा नुआ कोविड वेरिएंट नहीं बढ़ला चिंता जरूरी सूचना जारी कला विश्व स्वास्थ्य संगठन आफ्रिकीय देश में चिन्हट नुआ वेरिएंट उपरे चली अध्ययन कटकणारे देश देश मध्य विमान चलाचल और यात्रा हुर परामर्श नुआ वेरिएंट सतर्क रहा स्वतंत्र परामर्श पुणी राज्य में कोरोना काया करंजिया ठाकुरमुंडा चमकपुर आवासिक आदिवासी बालिका विद्यालय में 26 जन छात्री कोरोना आक्रांत आज स्कूल को जीव डाक्तरी टीम जने डाक्तर प्रत्यक्ष तत्वावधान में चिकित्सा आज उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगदे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वविद्यालय कन्वेक्शन हॉल रे कार्यक्रम गजपति जिला गुरुचुड़ी पंचायत चिडांग पंका गांव विरल बचरकाप्ता उधार वन विभाग एवं अड़पा पुलिस मिलित ऑपरेशन रे उधार एक काठ कोरोड़ रे लुचाई रखा जाइथिला बचरकाप्ता दुई अटक कटक टांगी थाना मंगुली पुलिस आउटपोस्ट रे महिला को दुष्कर्म उद्यम अभियुक्त होमगार्ड का समेत तीन जन थाना रे अटक मामला रुजु सह तदंत करुछि पुलिस खोर्धा ब्रह्मपुर जातीय राजपथ बेलपड़ा बाईपास निकट रे ओवरब्रिज तल को खसला बस तीन यात्री मृत 11 गुरुतर घटगा तारिणी मंदिर दर्शन सारी फेरिबा बेले दुर्घटना समस्त आहत एमकेसीजी मेडिकल रे भर्ती बाराहा शिकार पई बिछा जाइथवा विद्युत तार लागि युवक मृत मृतक गंजाम जिला कन्हैपुर गांव श्रीकांत गौड़ गाधोबा पई गला बेले विद्युत तार संस्पर्श रे आसीथिले श्रीकांत नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे कोरोना तृतीय लहर चिंता आज वरिष्ठ अधिकारी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक देश में कोरोना मुकाबला और टीकाकरण समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री एबे कोरोना पुणि तार रूप बदलाइथिबा बेले संक्रमण वृद्धि पाउछि कोरोना नुआ स्ट्रेन डेल्टा एवं डेल्टा प्लस ठारु मध्य अधिक भयंकर बोली चेताई देछि विश्व स्वास्थ्य संगठन तेबे कोरोनार तृतीय लहर नै वर्तमान पक्षरे चिंता बढ़िछि यार सीधासलख दृश्य आपड़ देखिपे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे आलोचना जारी रखिंटे आज उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगदे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वविद्यालय कन्वेक्शन हॉल रे चली कार्यक्रम उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति सबिता आचार्य अध्यक्षतार कार्यक्रम केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर गस्त करिवार कार्यक्रम रही आज उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगदे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वविद्यालय कन्वेक्शन हॉल रे एही कार्यक्रम चली उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति सबिता आचार्य उपस्थित अच्छा केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर गस्त करिवार कार्यक्रम रही डीएसएन जी पूरा ही चेक करना आते हैं।
आज उत्कल विश्वविद्यालय अणाशीतम प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगद केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वविद्यालय कन्वेक्शन हॉल रे एही कार्यक्रम चली उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति सबिता आचार्य अध्यक्षतार होम तेब यह कार्यक्रम सरवापर केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर गस्त करिवार कार्यक्रम रही तेब आज उत्कल विश्वविद्यालय होशीतम प्रतिष्ठा दिवस यह अवसर में मुख्य अतिथि भाव जोगद केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तेरे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त आज उत्कल विश्वविद्यालय अणाशीतम प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगद केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कौन चलती बर्तमान से कौन स्थित देखुं निश्चित भाव में मंदाकिनी आप जो कहले आज उत्कल विश्वविद्यालय अणाशीतम प्रतिष्ठा दिवस और मुख्य अतिथि भाव केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोग दी कार्यक्रम शिक्षामंत्री दायित्व नाप प्रथम थर पर गोटे प्रकार प्रतिष्ठा दिवस रे धर्मेन्द्र प्रधान जोग दी कार्यक्रम पूर्व जिते बड़े पेट्रोलियम एवं गैस विभाग मंत्री थे अनेक थर विश्वविद्यालय को आसी विशेष भाव में आम जी कह उत्कल विश्वविद्यालय केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो उच्च शिक्षा से एटी संपादन करते तेणु एटी तर अनेक स्मृति जड़ित रही छात्र जीवन रू से राजनीति एटी ही आरंभ करते परे परे वर्तमान विभिन्न सफलतार पहाच विभिन्न जो कहीपर आम स्ट्रगल करी से आज शिक्षामंत्री केन्द्र स्तर में पहुंची पार्टी किपर भाव समग्र देश में विशेष भाव ओडिशा रे शिक्षार विकास हो पार एवं जो साक्षरता बढ़िबो एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में किपर भाव आहरी अधिक छात्र छात्री जोड़ी हे से केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सब प्रयास कर आज जो रही प्रतिष्ठा दिवस रही उत्कल विश्वविद्यालय से आउ कि समय पर अभिभाषण आरंभ हम वर्तमान जो मैंने विश्वविद्यालय कुलपति उपकूलपति से सब अभिभाषण जारी रही विशेष अतिथि भाव पद्मश्री रजत कर कार्यक्रम जोग अभिभाषण समस्त शुणाप समस्त अपेक्षा कर रही विशेष भाव केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यही अवसर में कौन कहे नहीं छात्र छात्री उत्कंठार सह अपेक्षा कर रही आउ गोटे कथा कह आज प्रतिष्ठा दिवस अवसर में जो मैंने कृति छात्र छात्री अच्छा विभिन्न विभाग से मैंने कृतित्व लाभ कर विभिन्न परीक्षा रे एवं विभिन्न जो प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे निश्चित भाव रे समान को मध्य सम्मानित करा जबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त पूरा घटना पर अपना नजर रखितंतु आपन को सूचना पे अनेक अनेक धन्यवाद असभावे परवर्ती खबर को कटक टांगी थाना मंगुली पुलिस आउटपोस्ट रे महिला को दुष्कर्म उद्यम ड्यूटी बेले जड़े होमगार्ड दुष्कर्म उद्यम करथिबा अभिजोख होइछे संपृक्त होमगार्ड को समेत तीन जन को अटक रखी पुलिस मामला रुजु सहित घटनार अधिक तदंत जारी रही कटक टांगी थाना मंगुली पुलिस आउटपोस्ट रे महिला को दुष्कर्म उद्यम ड्यूटी बेले जड़े होमगार्ड दुष्कर्म उद्यम करथिबा अभिजोख होइछि संपृक्त होमगार्ड को समेत तीन जन को वर्तमान पक्षे पुलिस अटक रखी मामला रुजु सहित घटनार अधिक तदंत जारी रही शाशुघर सम्मुखरे नववधुंक धारणा आज षष्ठ दिन में पहुंची दिन राति घर आगे तंबू टाणी धारणा देछंती तपस्विनी डाक्टर सुमित साहूं पत्नी बोली दाबी करने सहित शाशुघर को प्रवेश अनुमति दिया जाऊ बोली से दाबी करिछंती आज कोर्टे एने शुणाणी हेबार मध्य कार्यक्रम रही तेरे शाशुघर सम्मुखरे तपस्विनी धारणा आज षष्ठ दिन में पहुंची दिन राति घर आगे अहरात्र से धारणा रे बसी डाक्टर सुमित साहू पत्नी बोली दाबी करने सहित शाशुघर को प्रवेश करने
अनुमति दिया जाऊ बोली से दाबी करछन्ते। सड़क दुर्घटनार सठिक कारण आकलन करने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एक नूतन सॉफ्टवेयर आईआरएडी लोकार्पित होइछे। नवरंगपुर एसपी एहाकु लोकार्पित करिछन्ति। एही सॉफ्टवेयर जरिया जिले में सड़क दुर्घटनार समस्त तथ्य संग्रहित रखा सहित सठिक कारण आकलन कर जिला स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग आंचलिक परिवहन विभाग जातीय राजमार्ग ग्राम्य निर्माण पूर्त विभाग एही सॉफ्टवेयर को व्यवहार करिपरिबे। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जाकु आम शॉर्ट फॉर्म आईरेड कहूँ तार लाइव जा सॉफ्टवेयर हिसाब रे अंडर रे पुलिस हेल्थ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ए सबूर ऑफिसर्स मानक एक्सेस रहिबो। जिते बड़े गोटे एक्सीडेंट रहिबो एक्चुअली मूड कौन कारण रही एक्सीडेंट से एनालिसिस हो आम सब बसिकी केमी कौन सल्यूशन करेंगे जमी आम फेटाल एक्सीडेंट हो डिस्ट्रिक्ट से कम हो तांको भाई आमर आज आलोचना है आउ ये गोटे नुआ स्टार्ट है मु आशा रखुची कि आईरेड डेटाबेस को यूज करी आमे भालो सॉल्यूशन दे पारिबे आउ चेष्टा करी पारिबे कि आमर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे फेटल एक्सीडेंट हो से केमिति कम हो आ संगे संगे आमे ऑल्सो डिस्कस करी आज आम जे गुड समरिटन रे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट रो प्लस अननोन वेहिकल रू जिते बड़े डेथ हो सो जे 2 लाख टंकर जे कंपनसेशन मिलू से भी आम अवेयरनेस करी मु आशा रखुची कि जिते बड़े किसी एक्सीडेंट हो आम सबू मिसिकी चेष्टा करेंगे कि एक्सीडेंट विक्टिम को सांगे सांगे गोल्डन आवर भितर रे हॉस्पिटल रे नहीं जी। गजपति जिला मोहनारू विरल वज्रकाप्ता उद्धार होइछि। वन विभाग एवं अड़बा पुलिस मिलित ऑपरेशन रे उद्धार होइछि वज्रकाप्ता। अड़बा थाना गुरुजुली पंचायत चिडांग पंका गांरु एहाकु उद्धार करा जायछि। एक काठ कोरोडरे लुचाई रखा जायथिला वज्रकाप्ता को शुक्रवार विलंबित रात्रि रे एहाकु उद्धार करा जायछि। दुई जन कटक रखी मोहना वन विभाग अधिक तदंत जारी रखिछि। खोर्धा ब्रह्मपुर 16 नंबर जातीय राजपथ बेलपड़ा बाईपास निकट रे बस दुर्घटनाग्रस्त होइछे। दुर्घटना रे 3 जनकर मृत्यु होता बेले 11 जन गुरुतर अछन्ति। 7 जन यात्रीक अवस्था संकटापन्न रहिछे। बसटी केन्दुझर घटगाँ तारिणी मंदिर दर्शन सारी फेरुथिबा बेले दुर्घटना घटिछि। बेलपड़ा बाईपास निकट रे एक अजणा गाड़ी बस को शक्त धक्का देथिला फळरे बसटी ओवरब्रिज तळ को खसी पड़िथिला। बस तळे चापी होई 2 जन श्रद्धालुंकर घटनास्थल रे ही मृत्यु घटिछे। गुरुतर अवस्था रे डाक्तरखाने रे अन्य जनकर मृत्यु होता बेले अन्य गुरुतर मानकु एमकेसीजी मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। आमे सुनलु सकाल 6 जे बालुगा पगर एक्सीडेंट होईछि कोन ट्रक एक्सीडेंट होईछि आउ मृत्यु होईछि 3 जन आ बाकी हात अछि समस्त अणा जाउछि आउ पेशेंट सब आहत जो अछि किसी सत्य किसी खा हाथ ही नहीं भल अच्छा बाकी पेसेंट आसुच्चे शुणा पा ए पाखी 4 जन 5 जन आसिले सब गोड़ा हाथ भांगी जनकर मुंड फाटी आन कान भांगी सब ये टाइप इंजुरी जन चेस्ट मैड पौदन रात जाते घटा तारिणी जाते बुलाया घटा तारिणी रिटर्न होते बालुगा पास जीप ओल्लैले भितर ट्रक को मारिकी जा। बाबुली नगर में मौलिक सुविधा अपहंच। रायगढ़ जिला गुणपुर विज्ञापित अंचल परिषदु पौर परिषद है मात्र एजाए ग्रामवासी मौलिक सुविधा वंचित अच्छा। बाबुल नगर लेन एक रे शह शह लोके बास करती मात्र गाँव को भल पक्का रास्ता टीए ना पानीय जल जोगाण परिमल आदि व्यवस्था विपर्यस्त हो पड़ी समाधान पर बारंबार दाबी पर भी शुणुनी प्रशासन जहाक नहीं साधारण असंतोष देखाई। बर्षा हेले बहुत असुविधा होती पिलाने स्कूल को जाई पार नंते आमे चला बुला करी पार ना आउ एटा बंद हो जाउछ पूरा पूरा जाम हो जाउछ एंती असुविधा रे फेर पानी मध्ये हमकु सप्लाई नै आमे म्युनिसिपालिटी अछु किंतु म्युनिसिपालिटी कोनसी सुविधा पाई पार ना। मु देखु छी बर्षा दिन पूरा रास्ताटा रास्ता जमा तयार हेइनी ड्रेन भी हेइनी आउ छोट छुआ माने ट्यूशन जिवार असुविधा होचंती आउ पानी रो सप्लाई मध्ये नाही आउ जी जार घरे बोर खोली किए जाऊँ जो गरीब लोक मैंने रोचे से बोरींग जाए पा उठे आणिक घरे व्यवहार करुँच
आद हवा जो आम भी जापारून यही रास्त आजिकल खेल पड़िया प्राय मानने पोली गाँ मानक एनएच भाया रास्ता गुड़िक किंतु आमर गुणपुर पौर परिषद थी एपरी रास्ता आम देखी आम निजक बहुत खराब मान लगुच आज प्रथमाष्टमी घरे घरे एंडुरी पिठार महक सांग को देखा मिलू ओडिया संस्कृतिर झलक घर बड़ संतान मानक नुआ लुका चंदन सिंदूर लग जा बंधापना मार्गशीर मस कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि को प्रत्येक ओडिया घरे प्रथमाष्टमी भाव पालन करें ज्येष्ठ संतान मानक सुख समृद्धि दीर्घ जीवन पूजा अर्चना करपरि आज प्रथमाष्टमी तिथि श्रीमंदिर स्वतंत्र नीतिकांति हेबार कार्यक्रम रही नियाली माधवों पीठर पढ़ुआ सामग्री आसी बेले आज श्रीजीव अंगे नुआ लुगा लगे सहित खदी एवं छेदा प्रसाद लगी केन्दुझर जिला घसीपुरा ब्लॉक केशदुरापाल पालन प्रथमाष्टमी सका वृंदावती पाखरे मुरुज पकाई चौरा को सजा जाई अवसर में घर ज्येष्ठ माने पढ़ुआ होती नुआ ड्रेस पिंधिबा सहित से पूजा अर्चना करा जाई घरे घरे एंडुरी पिठा करा जाई भोग करा जाई प्रथमाष्टमी आगे सका उठिलु हलदी गाधेलु तापर नुआ ड्रेस पिंधिलु चौहरा पाखे आमको पूजा करागला आम पर्व को बहुत चाहे रही था बहुत ये पर्व आसे आम बहुत खुशी हो नुआ ड्रेस पिंधु स्कूल ले थिले आमको बापा जाके आणंती प्रथमाष्टमी आसवा पूर्व आम छुआ माने मन खुशी बहुत आनंद उत्साहित होती जोटी स्कूल कलेज जो था देश विदेश भी थी प्रथमाष्टमी की निश्चित भाव घर को आसती आसंतु नजर पकेबा कांग्रेस रो सांबादिक सम्मेलन उपरे चाष करथिले एवं पोक तांको कबी चाष को खाई गला एवं सी जो 2 लाख टंका ऋण करथिले कबी चाष पई तार बोझ से सही पारले नाही बाध्य है कि से आत्महत्या करचंत गत वर्ष भितरे आज पर्यंत ओडिसा रे पाखा पाखी 7 जन चाषी आत्महत्या करिसंती एवं सेमानकर आत्महत्या पई चाषी माने दायी नुहंती दायी होउचंती राज्य सरकार एकथा स्पष्ट भावरे किसान कांग्रेस कहिबाकु चाहे राज्य सरकार कालिया बोलियार लॉलीपॉप देखौथला बेले चाषी मानकर जो वास्तव समस्या अछि ए समस्या को दृष्टि दबा ए समस्या को समाधान करिबा एवं चाषी मानकु न्याय दबा एई क्षेत्र रे ए सरकार विफल ए सरकार कुंभकर्ण निद्रा रे सोइचंती एकथा आमे किसान कांग्रेस पक्षरु एवं कांग्रेस दल पक्षरु कहिबाकु चाहू आमे दाबी करुचु लक्ष्मी नारायण जेना एवं विभूति भूषण सरकार एमानंक परिवार को 20 लाख टंका रो क्षतिपूरण दिया जाऊ एवं ता पूर्वरु जो 6 जन चासी आत्महत्या करचंती समान को मध्य 20 लाख टंका रो क्षतिपूरण दिया जाऊ लक्ष्मी नारायण जेना को परिवार को आमर पीसीसी प्रभारी डॉक्टर ए चला कुमार तांको घर को जाईथिले एवं आर्थिक सहायता मध्य देथिले सही परिभाव रे नवरंगपुर रो रायघर ब्लॉक रो जो चासी तांको परिवार को मध्य जिला कांग्रेस रो सभापति कुना त्रिपाठी जाईथिले आर्थिक सहायता देथिले एवं ता सहित तांको झियो रो पाठ पढ़ा रो दायित्व मध्य कांग्रेस सरकार नबो बोली घोषणा मध्य करिसंत कांग्रेस दल चासी मानको सहित अछि तांको समस्या सहित अछि एवं से समस्या रो निराकरण पई बारंबार दाबी करुची एवं आगामी दिन में मध्य तार संग्राम जारी रखिबो वर्तमान खरीफ फसल कटा हेची एई खरीफ फसल जते बेले अमल होउची सेतिक बेले आमे दाबी करबाकु चाहू आसबाबे परवर्ती खबर को जगतसिंहपुर जिला इरसमा ब्लॉक रो गडकुचंग नुआगा एवं ढिंकिया पंचायत रे प्रस्तावित जेएसडब्ल्यू प्रकल्प पई लोकों मतामत ने जिला प्रशासन ढिंकिया पंचायत गोविंदपुर प्रशासन पक्षर बैठक होती जिलापा
ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ, ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଏରସମା ବିଡିଓ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ, ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଅଧିକ ଜମି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ 11 ଦଫା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯେ ଢିଙ୍କିଆ ଜନଶୁଣାଣୀରେ ଆମେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଶୁଣାଣି କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା କେବଳ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଆମେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାନବରଜ ଦେଇଛୁ, 700 ଏକର ଜମି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏହା ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର କିଛି ଗୋଟାଏ ଦାବି ରଖିଛୁ, ସେହି ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି କମ୍ପାନୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେଇଟା ଦାବି ପୂରଣ କରିଦିଏ ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାନବରଜ ତାର ଡିସମିଲ୍ ପ୍ରତି ସେମାନେ 25,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଯେ କାହାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରବାସୀ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ସୌହୃଦତାର ସହ ବିଚାର କରିକିରି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ହେଲେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖିବା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବାସୁଦେବପୁରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି କେବଳ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 2019-20 ମସିହାର 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇଁ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିସହ ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଲୁଣି ପାଣି ସହିତ ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଣି ଗରମ କରି ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ପାଣି ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ଏ ଗୋଟିଏ କଳରେ ଆମର ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଖର କାମ ଦାମ କରିବୁ ନା ବିଲ ବାଡ଼ି ଯିବୁ ନା ଆମେ ପାଣି ନେମୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ଖଟି ତ କରୁନା, ଆମେ ତ ପଇସା ଟାଣିନେ ଯାଇ ଚଳିମୁ, ଆକଳନ କରିବୁ। ଏ ରସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ହଇରାଣ, ଆମେ ଭାଇ ପାଣି ଛାଙ୍କିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଗୁଣ୍ଡି ବାହାରୁଛି 10 ବର୍ଷ ବସିଲାଣି, 10-15 ବର୍ଷ ଲାଗ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତାର ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ କେତେବେଳେ। ଆମେ ନା ପାଣି 6 ମାସ ହେଲା ପାଉନାହିଁ, ତାପରେ କେତେଦିନ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। ତାପରେ ସେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଟିଓଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖିଲା ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଲବାଡ଼ି କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କଳି କଳି ଲାଗୁଛୁ, ଲାଗିକି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରି ବସିକିରି ପାଣି ଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛୁ। ଇଏ ଟାଙ୍କି ସାର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 6 ମାସ ହେଲା ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଟାଙ୍କି ବାଲା ତାର ଆସୁନି କି ବନଉନି, ଏକର ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟର ଟାଙ୍କି ଯେ ତାର ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଜିକି 2-3 ମାସ ହେଲା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଡିଓ ଆସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସଉନି କି ଯେ ଜେଇ ଆସୁନି କି ସେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବି ଆସୁନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ ସରିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନି, ଏହା ଉପରେ କାହାରି ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ଟିକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ସରକାର କାଗଜ କଲମରେ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ,
ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର ଆନ୍ଦୋଳା କାଳିଦାସପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2018-19 ମସିହାରେ 98,83,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାବୁମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ସାର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି, ଆମେ ରାଇଜ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନୁ। ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଲା ପରେ ଆପାତତଃ 4-5 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଗୋଟେ କଏଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଏଜୋ ସାର୍ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ, ଦେଖିଲେ ସେ ମାନେ କଏଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ରିପେୟାର୍ ପରେ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ହେଲା ପରେ କେତେଦିନ ସେଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଲାକ୍ସିଟ୍ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଟାଙ୍କି ବି ଅଛି, ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଠୋପେ ପାଇପାରିଲେନି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଏବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।